हेलो, मैं जितेंद्र शर्मा आपके सामने श्रोणी मेखला की संरचना समझाता हूँ। श्रोणी मेखला पश्चपात की अस्थि या पैर की अस्थि क्या होती है? यह मुख्यतः तीन अस्थियों के संयोजन से मिलती है। पहली अस्थि है इलियम, दूसरी अस्थि है इलियम इस्टियम और तीसरी अस्थि है प्यूबिस। इस प्रकार तीनों अस्थियाँ मिलकर के श्रोणी मेखला की संरचना का शुरू का भाग बनाती है। इन अस्थियाँ नीचे की ओर जांघ की अस्थि की ओर जाती है। जांघ की अस्थि शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है, जिसे फीमर कहते हैं। नीचे की ओर घुटने की अस्थि संधि पाई जाती है, जिसे पटेला संधि के नाम से जानते हैं। नीचे पांव की जो दो अस्थियाँ पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः टीबिया और फिबुला के नाम से जाना जाता है। नीचे की ओर टार्सल और तलवे की ओर की अस्थियाँ मेटाटार्सल और पैर की अंगुली की अस्थियाँ हैं, उनको फ्लैंजेज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारे सामने पश्चपात की अस्थि, जिसे श्रोणी मेखला कहा जाता है, उसकी संरचना का यह वर्णन है।